हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अमन साइंस एकेडमी। माय सेल्फ इज कामिनी सिंह। टुडे आई डिस्कस इन क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रगति। यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश की प्रगति को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने क्या दिए थे बेटा, सिद्धांत दिए थे, जिसमें हमने न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसके बाद हाइजन का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का सिद्धांत, प्लैंक का सिद्धांत और प्रकाश की द्वैत प्रगति सिद्धांत, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ उसी चीज से कंटिन्यू स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो कल से जो टॉपिक लेने वाला हूँ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको कहा है इस चैप्टर में जो थ्री टॉपिक है उसपे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 1 व्यतिकरण, 2 विवर्तन और 3 है ध्रुवण। इन तीनों पर हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ कि हाइजेन ने जो तरंग सिद्धांत दिया था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइजेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण है वो तरंगों के रूप में पाई जाती है और तरंग को संचरण के लिए क्या चाहिए बेटा, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कौन कह रहा था बेटा, हाइजेन का तरंग सिद्धांत कह रहा है। आज जो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुनेगा कि हाइजेन का जो तरंग सिद्धांत था, हाइजेन क्या कहता है कि प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में संचरित होता है और उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइजेन के तरंग सिद्धांत से ही हम परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम क्या करेंगे बेटा, सिद्ध करेंगे। आप लोगों को मैंने अपवर्तन पढ़ा चुका हूँ, परावर्तन पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्या कह रहा बेटा कि हाइजेन ने जो अपना तरंग सिद्धांत दिया था, इसमें हाइजेन ने जो तरंग सिद्धांत दिया था उससे मुझे अपवर्तन के जो दो नियम क्या था, नियम क्या था बेटा अपवर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हमने पढ़ा था परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या था बेटा, एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन उसी परावर्तन के नियम को अपन को किसके द्वारा सिद्ध करना बेटा, हाइजेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करना है। और हाइजेन के तरंग सिद्धांत से हम लोग अपवर्तन को भी सिद्ध करेंगे, अपवर्तन के नियम को भी सिद्ध करेंगे बेटा, परावर्तन के नियम को भी सिद्ध करेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ, हाइजेन का जो तरंग सिद्धांत है उससे परावर्तन की व्याख्या कैसे की जा सकती है, यानी परावर्तन के हाइजेन के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन कैसे सिद्ध होता है, परावर्तन के नियम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बारे में पढ़ने से बेटा पहले एक चीज में बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में एक वर्ड आएगा तरंग आंदोलन। तरंग आंदोलन का मतलब क्या है कि किसी भी माध्यम में खींचा गया वह प्रश्न जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी माध्यम में खींचा गया वह प्रश्न, यानी मैंने कहा प्रकाश के कोई भी माध्यम के अंदर जा रही उसमें से मैं कहीं पे भी एक प्रश्न खींचता हूँ बेटा, यानी मैंने कहा है कि ये जाती है प्रकाश की किरण। ध्यान सुनना इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने कहा आज कोई माध्यम के अंदर क्या संचरित होती है बेटा, तरंग संचरित होती है। कैसे इधर इस माध्यम में क्या संचरित होती है बेटा, तरंग संचरित होती है। तो यहां पे अगर मैं करीब पे भी प्लस खींचता हूं तो वहां पे देखो बेटा कंपनों की संख्या, यहां पे भी कंपनों की संख्या, यानी यहां पर अगर मैंने कहा 50 कंपन है तो यहां पर भी कितना है 50 है और यहां पर भी कितना होगा 50 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी माध्यम के अंदर अगर कोई भी तरंग जारी है तो कहीं पे भी अगर मैं उठा के देखता हूँ, कहीं पे भी लंबवत प्रश्न खींचता हूँ तो वहां पे देखता हूँ सब में कंपन हो रहा है। तो कंपन होता है क्योंकि तरंग को क्या बैठेगा बेटा, कंपन होता है हमेशा तरंग संचरित करती, तो उसमें क्या होता है कंपन के कारण संचरित करती है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी माध्यम के अंदर अगर तरंग जारी है तो वहां पर अगर मैं कोई भी काल्पनिक प्रश्न खींचता हूँ उसके लंबवत, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि कंपन है वो सब पे क्या बेटा समान है। कहीं पे भी मैं तरंग के अंदर देखता हूँ अपनों क्या है समान है तो उसे क्या कहते हैं बेटा तरंग आंदोलन। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब क्या है कि मैं गाड़ी लेके जा रहा था 50 की स्पीड से, ठीक है, तो रास्ते में मुझे नापता है 1 किलोमीटर दूरी में जा रहा था, 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, माध्यम के अंदर जा रहा था, तो कहीं पे वो रोक के मुझे कोई भी रास्ते में खड़ा आदमी डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे आदमी खड़े थे, तो मीटर लेके चेक करते हैं तो सब पे मेरी स्पीड कितनी आती है बेटा 50 ही आती है। तो क्या कहलाएगा तरंग का पास में कहने का मतलब क्या है सीधा सुनिएगा। तो आज जो अपन पढ़ रहे उस पर खास फोकस करेंगे, जो हाइजेन है उसका जो तरंग सिद्धांत था उससे परावर्तन और अपवर्तन को अपन क्या करने वाला है सिद्ध करने वाला है, उसके नियमों को प्रूव करने वाला है। तो तरंग आंदोलन क्या होता है बेटा, किसी माध्यम के अंदर कोई भी तरंग संचरित हो रही,
किसी माध्यम के अंदर कोई भी तरंग संचरित होती है, तो वहां पे किसी भी पृष्ठ पर मैं देखता हूँ तो सब पे कंपनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहा जाता है, तरंग आवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, तरंग आवेग। असल में आगे बेटा चलो नेक्स्ट जो मैं समझाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट भी है और ध्यान से समझिएगा भी। आगे क्या कह रहा है बेटा, हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उससे परावर्तन की व्याख्या करनी है, यानी हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत था उससे मुझे परावर्तन के दो नियम ने दोनों क्या करना प्रूव करना है। सबसे इंपोर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम बना हुआ है, बना कैसे मैं एक बार आपको आपको समझा देता हूं बेटा। परावर्तन में हमेशा क्या होता था बेटा, एक बार पॉलिश होता था कि नहीं होता था, परावर्तन में हमेशा एक बार पॉलिश होता था। इस बात को मैंने मान लिया है, इसको क्या मान लिया बेटा, बाय। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन, पढ़ाया था मैंने कि अगर प्रकाश है किसी प्लेन सरफेस पे अगर आती है इतने डिग्री कोण से आप लोग डिग्री कोण से परावर्तन हो जाती है, वो परावर्तन क्या कहलाता है बेटा, नियमित परावर्तन। अगर किसी खुरदरिया खुरदरी प्लस अगर प्रकाश के जितने डिग्री कोण से आती है तो डिग्री कोण से चली जाती है, लेकिन सारी प्रकाश निकल जाती है बेटा, बिखर जाती थी, उसे क्या कहते थे अपन, विशिष्ट परावर्तन। तो बेटा याद रखना कि अपन जो टॉपिक ले रहे हैं कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से क्या प्रूव करना, परावर्तन। और परावर्तन में हमेशा क्या होता है बेटा, एक भाग का होता है पॉलिश किया होता है, तो मैंने दिया भाग पॉलिश किया हुआ, इसका नाम मैंने क्या दिया बेटा, एक्स वाई। अब इसके ऊपर मैं बेटा कितनी किमें छोड़ रहा हूँ, तीन किमें, ध्यान से देखते रहना बेटा, कितनी किमें छोड़ी मैंने इसके ऊपर, नाम दे दिए एक दो तीन, मैंने तीन प्रकाश के लिए चाहिए, ध्यान से देखिए। तो जैसे बेटा जितने देखिए कौन सा डिग्री कौन सा वापस कर जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित किरणों को मैंने नाम दिया था 1-2-3। पास में आ गई, अब दोनों के बीच का होता है वो बेटा क्या कहलाता है, अभिलंब, ये भी अभिलंब और ये भी क्या है इसका, आने वाला कोण क्या होता है आई, जाने वाला कोण क्या होता है बेटा आर, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। पास में आ गई, अब बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूं। अब यहां पे इसको यहां से मिला रहा हूं, चेक करते रहे बेटा गलत नहीं होना चाहिए, मैंने यहां पे भी किया है कि इस कोण को मैंने इससे मिलाया है और इस वाली भुजा को इससे मिलाया है, क्यों बेटा, देखो यहां पे दो त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट कर देता हूं यहां पे दो त्रिभुज, क्योंकि हमको नियम से दिखाना है इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक मैं ब्लैक से कर देता हूं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, मैं दो लाइन खींची है, क्यों खींची है उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, क्योंकि अपन को प्रूफ करना बेटा, देखो यहां पे ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये वापस आई हो गया, ये वापस क्या हो बेटा, आर हो गया। तो बेटा देखो इस डायग्राम में वापस समझा देता हूँ, तीन प्रकाश के हैं इनमें तीन वापस गई, इन सब का क्या बेटा, ये अभिलंब, तो यहाँ पे बेटा इस बिंदु को मैंने इस बिंदु से मिलाया, दोनों 90 डिग्री कोण है, और इस भुजा को इस भुजा से मिलाया, ये भी कितना बेटा 90 डिग्री कोण है। तो आप बेटा मुझे क्या प्रूव करना है, इस त्रिभुज से को प्रूव करना है, अरे इस त्रिभुज को प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अगर त्रिभुज दोनों बराबर है तो सरांशांतर का नियम क्या कहता है, उनकी भुजाएं भी क्या होगी बेटा बराबर, जब भुजाएं बराबर होगी तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो मैंने ये दो त्रिभुज लिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक तो त्रिभुज मैंने ये ले रहा हूं और एक सेकंड ये ले रहा हूं, इन दोनों त्रिभुज को मुझे क्या करना बेटा, सिद्ध करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर हो गए, देखो बेटा यहाँ पे सब दिख रहा है प्रकाश में तो अंतराल है वो बराबर है, साफ दिख रहा है, लेकिन अपन को त्रिभुज यदि प्रूव करना है तो मैं कह रहा हूँ बेटा जो ये त्रिभुज में दो त्रिभुज ले रहा हूँ, अगर दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो समांतर सरांशांतर के नियम से क्या है, उनकी भुजाएं भी बराबर होगी, जब भुजाएं बराबर होगी तो कोण भी बराबर हो गए, यानी भी आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और अपने पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, परावर्तन का सेकंड नियम प्रूव हो जाएगा। कैसे चलो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा है कि एक्स वाई तल लेता हूं जहां पे प्रकाश किरण आती है, ये मैंने फर्स्ट किया है, जहां पे प्रकाश किरण बेटा आती है, जैसे आती है तो पर्टिकुलर कहां बनता है बेटा, मैंने इसका नाम दिया बेटा, देखो इस पॉइंट को ए, इसको ए डैश, इसको बी और इसको बी डैश दे दिया। बस मानी कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई तल में अगर ए बी प्रकाश किरण आती है तो पर्टिकुलर कहां बनता है बेटा, ए डैश और बी डैश पे पर्टिकुलर बनता है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आई बेटा प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यानी यहाँ पे प्रकाश किरण आती है और यहाँ पे क्या बनता है बेटा प्रतिबिंब बनता है। आगे बेटा इन दोनों त्रिभुज को ले रहा है, इस वाले त्रिभुज इस त्रिभुज से, तो मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ बेटा, त्रिभुज ध्यान से देखना, त्रिभुज मैं ले रहा हूँ ए बी ए, ए बी ए, ये त्रिभुज ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए हाईलाइट करते तो जाओ,
ये त्रिभुज दे रहा हूँ ए बी ए डैश और सेकेंड क्या दे रहा हूँ ए बी डैश ए डैश ये बात ठीक है। एक तो ये वाला और एक सेकेंड ये वाला ले रहा हूँ उसमें देखता हूँ तो दोनों में देखता हूँ बेटा दोनों के लिए इस त्रिभुज के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा डायग्राम में थोड़ा समझना। दो त्रिभुज है मैं एक बार डाय कर देता हूँ एक टू कर देता हूँ ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए ये वाले त्रिभुज के लिए दोनों के लिए भुजा दोनों के लिए क्या है कॉमन कौन सी आ रही है ए डैश ए डैश दोनों के लिए क्या है बेटा उभयनिष्ठ भुजा है। अब मैं देखता हूँ बेटा एंगल बी ये 90 डिग्री है और बी डैश भी कितना बेटा 90 डिग्री तो एंगल बी और एंगल बी डैश दोनों क्या है बराबर है समान कोण है। अगर समान कोण है तो भुजा ए बी भी किसके बराबर होगी ए डैश डैश के बराबर होगी यानी ये भुजा उस भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ के समय अंतराल में क्या माना टी तो यहाँ से यहाँ भी समय अंतराल क्या बेटा टी। तो कहने का मतलब क्या है बेटा दोनों त्रिभुज देखता हूँ ए डैश दोनों के उभयनिष्ठ भुजा है एंगल बी बराबर किसके है एंगल बी डैश के ये भुजा इस भुजा का बराबर यानी ए बी भुजा किसके बराबर है ए बी बी डैश के दोनों क्या है टी। तो अगर मैंने कहा भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे बेटा बराबर होंगे यानी बी ए डैश बराबर किसका होगा बी डैश ए डैश और ए के बराबर होगा। जब मैंने कहा कोण बराबर है तो बेटा उनके भुजा भी बराबर होगी और जो एंगल आई होगा आने वाला कोण और जाने वाला कोण वो भी क्या होगा बराबर होगा। और इससे क्या प्रूव हुआ कि जो परावर्तक का पहला दूसरा नियम था कि जितने डिग्री प्रकाश दे रहा है उतने डिग्री से ही क्या होती है बेटा परावर्तित हो जाती है। इस नियम को अपन ने इसके सिद्धांत से हाइगेन के सिद्धांत से क्या क्या बेटा प्रूव किया है। दूसरा सिद्धांत तो आपको पता है यही है कि जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है वो एक ही प्लेस पे हो रही है एक ही जगह पे हो रही है आपके में यही आ रही है यहीं पे टकराती है और यहीं से जा रही है बात समझ में बेटा। तो आज ध्यान करके इस टॉपिक को दो बार तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा पूर्ण बार सारे समझे बेटा। दो त्रिभुज है दोनों के लिए ए डैश उभयनिष्ठ भुजा आ रही है कोण बी बराबर कोण बी डैश के है तो भुजा ए बी ए बी बराबर इसको होगा ए डैश बी डैश के बराबर होगा। त्रिभुज के समांतर नियम से अगर भुजा बराबर कोण बराबर है तो त्रिभुज भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और उस समय कोण भी क्या होंगे बराबर। बात समझ आ गई आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा घर रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कल से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ व्यतिकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ तीन टॉपिक्स चैप्टर में इम्पोर्टेंट है व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण कल से वो स्टार्ट करने वाले हैं और इसको पढ़ते रहिए ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे घर रहिए और बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू।